हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर से एसएससी सीजीएल टीयर वन का मेमोरी बेस्ड मॉक नंबर 3 को यहां देने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन आपका 9 सितंबर को शिफ्ट 3rd जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इसके अलावा मैंने शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2nd के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के मॉक को हमने दिया है, तो उसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट डे यानी कि आपका 1 तारीख को जो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन था 9 तारीख को, उसका हमने मॉक दिया था, जिसमें मेरा यहाँ पर 163 मार्क्स आ रहे थे। और इसका जो सेकेंड शिफ्ट का मैंने दिया था तो 161 मार्क्स आ रहे थे। तो क्वेश्चन जो दोनों में जो मुझे देखने को मिला था वो ईजी टू मॉडरेट ही थे, लेकिन जो फर्स्ट पे क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, मैथ रीजनिंग नहीं बस जीके मॉडरेट के थे। बाकी जो शिफ्ट सेकेंड था उसका जो जीके था ना वो ईजी टू मॉडरेट था, नहीं कि मॉडरेट, वो ईजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पर मेरा मार्क्स उतना ही आया था, 163 एंड 161। अब देखते हैं सब थर्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंगली हमारे इसमें कितने मार्क्स आ पाते हैं। ठीक है, तब रेडी करें, चलिए अपने को रेडी अब रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं दिया, अगर आपका एग्जामिनेशन बाकी अभी है, टाइम अभी है 2-3 दिन, तो आप इस मॉक को जाके जरूर दीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा कि क्वेश्चन उसी बेस पर बनाए गए हैं जैसे एग्जामिनेशन पूछा गया है। लेकिन एक कोशिश आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो गया ना, आपको जाकर रिव्यू नहीं देखना है, ना किसी टीचर का आपको अभी देखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको नहीं देखना है, यूट्यूब पे जाके कहीं मत कीजिएगा। मैंने यही काम किया था, मैंने एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं देखा यूट्यूब पे, ना इसका रिव्यू देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। बस आके मुझे मालूम था कि मॉक टेस्ट जो है ये जो टेक्स्ट बुक है वो ला कर देता है, तो मैं वेट कर रहा था इसी का और वो मुझे दिख गया था। उसके अकॉर्डिंग पर चलेगा आपका तैयारी कितना। अगर आप एग्जाम में यूट्यूब पर जाकर चेक कर ही लीजिएगा कि आप क्वेश्चन क्या क्या आया था, तो आप तो यहाँ पर 100% सही तो कर ही लीजिएगा, लेकिन आपको ये करना नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप फ्री जो एकदम यहाँ पे जो आप मॉक मिल रहा है जो बिना देखे आप मार रहे हैं वो आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन पूछा गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में फंस रहे हैं ना, तब उस यूट्यूब पे जाकर चेक कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को जब बताया गया आया था तो कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप कोशिश कीजिएगा, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। चलिए अब रेडी करते हैं, भाषण तो बहुत हो गया, और यहाँ पर हम लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेते हैं और रेडी करते हैं। पहले रीजनिंग, फिर जीके, इंग्लिश और लास्ट में मैथ। पहले ये क्वेश्चन है। अब देखो, हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सेम नहीं दिखने के होंगे। सेम क्या क्या देख सकते हैं आपको, जीके के क्वेश्चन दिखेंगे और यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जो है लगभग सेम देखने को मिल सकते हैं, सेम नहीं सिमिलर रहेगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ सिमिलरिटी रहेगा और इंग्लिश का तो भाई कुछ भी रहो वो तो कुछ भी हो सकता है। चलो पहले यहाँ पर देखते हैं, ये 8 है, यहाँ पर कितना गैप किया, यहाँ पर 3 गैप किया, स्क्वायर बन गया, ये यहाँ पर आया, एक लाइन बन गया, तो यहाँ पर 2 लाइन बनेगा। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर कितना घटा, 4 के गए थे ना, यहाँ पे 3 पार्ट हटाया, यहाँ आ गया, ये पार्ट यहाँ आया, ये पार्ट यहाँ, तो ये पार्ट यहाँ आना चाहिए और एक सीधा सा लाइन दो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये साइन देख रहे हैं, तो ये साइन तो हमारा ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, आंसर सही है, नहीं अभी बाकी है। ये फिगर यहाँ था, एक छोड़ के यहाँ आ गया, 2 छोड़ के यहाँ आ गया, तो 3 छोड़ेगा तो 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं ये नहीं, ये वाला हो जाएगा ना। हाँ चलो, अब इस क्वेश्चन को हम हिंदी कर लेते हैं। टेनिस को क्या लिखेंगे, भाई टेनिस कहाँ है, तो यहाँ टेनिस है। आशा के लिए क्या लिख सकते हैं, आशा या प्लेइंग के लिए क्या लिख रहे हैं, प्लेइंग के यहाँ दिख रहा है कि जी हो जाएगा, जी आई तो हट जाएगा प्लेइंग के लिए। ठीक है, जी आई तो हट गया, आशा कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं। टेनिस के लिए कहीं और कुछ लिखा हुआ है क्या, टेनिस के रूप में कहाँ, यहाँ देखो तो टेनिस को RISI इसका सेंस हो जाएगा, क्योंकि WI तो यहाँ पर है नहीं, तो SI इसका ही सेंस रह जाएगा। आगे चलते हैं, 337 से 354 है, तो 17 यहाँ पर जुटा होगा। ठीक है, यहाँ पर 54 है, तो 9 4 13 तो हो गया 63, और 63 में 23 जुट गया, 73 में 54 कितना जुटेगा यार, और 9 हो गया, ये हो गया 6 19 जुटा ना, 19 होटन, हाँ 19 हो गया। और 373 में फिर यहाँ पर देख रहे हैं 73 है, एक जोड़ेंगे यानी कि 21 का जुटेगा, यानी कि 2 बढ़ रहा है, 21 हो जाएगा, यहाँ 25 जुटेगा, यहाँ पे 25 जुटेगा, तो 2 यूनिट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट हो गया आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ फिगर क्या है, कंप्लीट करने बोला, बस सेम फिगर दिख रहा ना, कोई भी फिगर, इसी फिगर को उठा लो, इसी फिगर को क्या कर लेते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं, तो ये फिगर ऐसा आएगा और ऐसा बनेगा, ये बनेगा, और कोई पॉसिबल है क्या, हाँ बीच में लाइनिंग भी तो आ रहा है ना, तो ये फिगर ऐसा, ये लाइनिंग होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद ये फिगर ऐसा पूछ रहा है, तो ये ट्रैपेजियम कैसा बनेगा, इसका ट्रैपेजियम ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ये तो पहला थर्ड या नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में ये पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है, बट फिर यहाँ पर सर्किल का दिक्कत होगा, और ये पॉसिबल तो पूरा साफ हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है,
तो ऐसा फिगर पूछा ना किसमें नहीं थे ये वाला। ठीक है, स्क्वायर तो बना दो पहले, कहीं स्क्वायर एक ही स्क्वायर यहाँ बन रहा है, फिर ये पॉसिबल यहाँ नहीं, स्क्वायर यहाँ पे अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा आया, और ये लाइन हो सकता है यहाँ पे छुपा हुआ है। पी हैशटैग ए बी की माता है, पी आर की माता है, पी आर की माता है। ठीक, डॉलर का साइन ए बी का भाई, आर बी का भाई, आर जो है बी का भाई है। पावर का साइन है ए बी की पत्नी है, बी डब्ल्यू की पत्नी है। ठीक है, क्या पूछा तो क्या अर्थ है, पी डब्ल्यू की माता है क्या, नहीं सास है। आर डब्ल्यू का भाई है क्या, नहीं गलत है, साला होगा। बी पी की पुत्री है क्या, हाँ बी पी की पुत्री है, एकदम सही है, पी आर का पिता है, नहीं। फिर पूछ रहा कुछ विद्यार्थी के पंक्ति में करिश्मा बाईं से 16 हैं और दाईं से 18 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 8 से 14 जोड़ो, 1 घटा दो, आंसर आ गया। फिर बोला प्रतिबिंब बताना है, ये फिगर ऐसा है तो यही भी बनेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन में ऐसा है, ये सी ऐसा डी बना था, उसको उल्टा कर दो डी, तो डी उल्टा आएगा, ये तो हट गया, ये तो हट जाएगा, ये दोनों आंसर हो सकता है, ये डी सीधा तो ये डी उल्टा, ठीक है ये आंसर आ जाएगा। और ये जब तुम्हारा डी ऐसा है तो ये उल्टा होकर ऐसा बन जाएगा, और ये डी उल्टा है तो इधर कैसे हो जाएगा, ये पार्ट इधर चल जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और कोई पॉसिबल तो नहीं है। उसके बाद कोई बोल रहा है अंग्रेजी में पहले कौन आएगा, तो देखो टी ए एम टी ए एम टी ए एम ए ए ए समय मिल रहा है ना, हाँ। अब उसके बाद पाँचवा ऑर्डर एल जी आर आर और बी आ रहा है, तो पहले कौन आएगा बी, यानी फर्स्ट जो है 5 से स्टार्ट होने वाला है, 5 से स्टार्ट होने वाला है ये। देखो टी ए एम ए टी ए एम ए टी ए एम ए टी ए एम ए टी एम ए, फिर यहाँ बी आता है, यहाँ पे एल आता है, तो 5 से स्टार्ट होगा और कोई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर एम है, फिर देखो तो बी हो गया, पहले जी का मान कितना होता है 7, फिर एल आता है ना, तो 5 के बाद 2 ही आने वाला, आंसर सही है। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि सतीश उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश ये कौन है, सतीश है ना, हाँ सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। को बोला कि सुरेश नीरज से छोटा है पर उमेश से बड़ा है, ठीक है। तरुण रितेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, ठीक। मनीष सबसे छोटा है, मनीष सबसे छोटा है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, एन का नाम आ रहा है, एन का मतलब नीरज हो रहा है, ठीक है। कट को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं क्या, बी डी 21 एस यू, तो सी की बात करते हैं, बी सी डी हो गया, टी है पी क्यू आर एस टी यू, और यू का मान 21 होता है, आर का मान 18 हो जाएगा, सी डी है ना, तो सी डी, तो सी और ई आ जाएगा, सी ई के बीच में 18 आ जाएगा, सी 18। वाई है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड होता है, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना पी की एस टी यू, एस और यू लिखा तो एक्स और जेड लिखेगा, एक्स और जेड, सी ई के बाद एक्स और जेड पॉसिबल ही है। उसके बाद यहाँ पर आ जे ओ एस जी एम आर, जी जे का मन, जे का मन 10, एस जी का मन होता 7, यानी कि माइनस का 3, ओ का 15, एम का मान 13, एम का मान 12 13, तो यानी माइनस का 2, पी क्यू के बाद आर एस यानी कि माइनस का 1, तो पी एम डी है, तो पी से बढ़ाएंगे कितना 3, 19 आ जाएगा, एस आ जाएगा, एम का मान होता 13, 2 जोड़ देंगे 15, यानी कि एस के बाद ओ आएगा, डी का मान होता है डी, ये डी के बाद ई आ जाएगा, ए बी सी डी के बाद ई, चलो आंसर हो जाएगा। सेल को 32 लिख रहे हैं तो बताओ क्या होगा, एल का मान कितना 12 होता है, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया, ई का 5 होता है और सी का 3 होता है, तो 5 3 8 4 12 32, तो यहीं पे हो गया। बोल्ड का क्या लिखेंगे, 2 15 L 4, ठीक है, 5 2 7 7 2 9 4 13, 33 इसका सही आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि अर्थपूर्ण कर्म से सजाना है, पहले क्या फूड प्रोसेसिंग प्लांटेशन हार्वेस्टिंग सुपर स्टोर पैकेजिंग, पहला क्या करेंगे हम, हार्वेस्ट करेंगे, पहले प्लांटेशन करेंगे, यानी पहले प्लांटेशन करना पड़ेगा, प्लांटेशन फिर हार्वेस्टिंग फिर काटेंगे, 2 के बाद 3 आएगा हार्वेस्टिंग, उसके बाद फूड प्रोसेस करेंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे, फिर सुपर स्टोर जाएगा। 23 154 का यहाँ रहा, 23 154 एक ही ऑप्शन में है। कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो यहाँ से कितना ट्राइंगल निकलेगा, 1 2 3 4, 8 ट्राइंगल यहाँ निकलेगा, 8 ट्राइंगल यहाँ निकलेगा, 8 ट्राइंगल यहाँ, 8 से 24, तो यहीं पर हमको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे, 24 हो गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26, यहाँ पे 27, यहाँ पे 28, 28 ट्राइंगल तो पॉसिबल तुमको दिख रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पे आर आई जी आई डी एस, तो रिजिट को क्या लिखेंगे, पी क्यू आर के बाद एस, आर का मान होता 18, टी का मान होता 20, आई का मान होता 9, जी का मान होता 7, सॉरी एफ का मान होता 6, ठीक है, आई फिर जी का मान होता है 6, जी का मान 7, आई का मान 9, डी का मान 4, एस का मान 19, लिख लेते हैं डायरेक्टली, फिर टी एफ, आई का मान हो गया 9,
एफ़ का मान होता है 6, एफ़ का मान यहाँ पे फिर 6 और पी का मान होता है 16। तो यहाँ पे देख रहे प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 फिर माइनस का 3, तो प्लस 2 माइनस 3। सी के बाद प्लस करेंगे 2, यानी कि सी का मान हो गया 5, तो ई से स्टार्ट होगा एल टी के। अब हमको ई की बात करना है, तो देखो सी ओ आर एन ई, ई का मतलब प्लस का 2 करना, 7 आएगा, 7 बोले तो जी, जी के बाद यहाँ पर जो है जी के बाद क्यू आएगा, जी के बाद क्यू आंसर ये हो जाएगा। सम पेंट्स आर ब्रशेस, सम पेंट्स क्या ब्रश हैं, सम पेंट्स ब्रशेस हैं, ऑल ब्रश क्या ईजल्स हैं, ऑल ब्रश क्या ईजल्स हैं, सम ईजल्स आर टेबल्स हैं, सम ईजल्स क्या टेबल हैं, सम ब्रश आर टेबल, सम ब्रश आर टेबल नहीं, सम पेंट्स आर ईजल्स, सम पेंट्स आर ईजल्स हाँ, सम ईजल्स ब्रश, सम ईजल्स ब्रश हैं हाँ, तो 2 और 3 फॉलो कर रहा है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। तो अगर देखेंगे हम पार्ट देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे खांचा है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 सी गलत है यहाँ पर। क्यों सी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, सब में 5 डिब्बा बना हुआ है, इसमें 4 डिब्बा बना है, इसमें 5 डिब्बा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना किसी का आधा था किया, ऐसा तो नहीं, ठीक है आंसर ये हो जाएगा। टच का पुश, किसी को टच करेंगे तो पुश कर रहे हैं, यानी किसी को धक्का तभी देंगे जब छुएंगे, किसी को बोलेंगे कब, जब किसी पे चिल्लाएंगे तभी तो बोलेंगे, है ना, ये तो होगा। ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ट्रीज क्या कुछ लीव्स ऐसे हो गया। सम लीव्स आर ट्रंक, सम लीव्स क्या है ट्रंक है, ट्रंक का ये ऐसा ट्रीज हो गया। नो रूट इज अ ट्री, नो रूट इज अ ट्री, नो रूट इज अ ट्री। सम ट्रंक्स आर रूट, सम ट्रंक्स क्या रूट हैं, सम ट्रंक्स आर रूट, सम ट्रंक्स आर रूट, नो ट्रंक इज रूट, तो इधर 1 इधर 2 दोनों को एक हो सकता है। 109 है 90 जुटा, यानी कि हम यहाँ पे 81 जोड़ रहे हैं, ठीक है 81 जोड़ रहे हैं, 90 है और यहाँ पे 49 जोड़े हैं, ठीक है। फिर 39 और 64 है, तो 9, 5, 14 यानी कि 25 जोड़े हैं, यानी साफ पता चल रहा है ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी 274 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 11 × 12 डिवीज़न दिस है, तो हम प्लस को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, 11 × 12 प्लस 78 डिवीज़न बाई 6 माइनस का 57, क्योंकि हमें 12 × 6 = 78 कट रहा है ना, 13 × 6 = 78 होता है ना, 13 × 6 = 78 होता है। अब बताओ 13 में से 57 चला गया, तो ये तो 132 हो जाएगा यहाँ पर ये करने पे, और 13 घटा देंगे तो 4, यानी 4 यहाँ घटाएंगे, 8 आ रहा है, एकदम आ रहा है, एकदम क्लियर है, और यहाँ पर 34 आ रहा, 34 हो जाएगा, कैरी करके हो जाएगा 12, यहाँ 8, ये हो जाएगा, ये हो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 12, 9, 3, 12, तो गलत हो रहा है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी 4 आ गया, 44 आ रहा है, ठीक है सही है, पहला ऑप्शन से कंप्लीट हो रहा है। आगे चलते हैं, W कमांड 23 और पी का आर कमांड 18, एम कमांड 13, यानी कितना, माइनस का 5, तो यहाँ भी माइनस का 5 और एस यहाँ भी माइनस, एच के बाद माइनस का 5 करेंगे 3 आएगा, यानी कि सी से स्टार्ट होगा। यू कमांड कितना होता है 21, पी कमांड होता है 16, यानी कि फिर यहाँ माइनस का 5, एफ कमांड होता है 6, यानी कि ए, सी के बाद ए आएगा, आंसर हो जाएगा सी के बाद ए वाला। 18 है 5, 19 है, तो क्या कर सकते हैं, 18 को हम कितना, 18 × 95, 18 × 6 कितना होता है, 8 × 6 = 48, 6 × 6 = 4, 10 × 6 = 18, ठीक है। अगर उसमें 18 है, 18 को 7 करेंगे तो 8 × 7 = 56, 7 × 7 = 12, 126 में से कितना घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं। 19 की बात करते हैं, 9 × 7 = 63, हाँ वही लग रहा है कि 3 घटेगा, 7 × 7 = 13 माइनस का 3, एकदम सही चल रहा है। तो 15 है, तो 15 × 6 = 15 कितना होता है, 105, 102 सही आ जाएगा। चलो फोरेजिंग तो पूरा बन ही गया है, अब चलते हैं जीके पर, ठीक है। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स पहल की शुरुआत की गई है, जो भूस्खलन कारण कम से कम इतने लोग मरे थे, ये था इसका असम था, हम पढ़े हैं इसका करंट अफेयर में, अभी जो तीस्ता नदी बाढ़ भी आया था यहाँ पर ऐसा। विथ रेफरेंस टू पल्लव रूलर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पल्लव रूलर्स यूज बोथ संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज टू इश्यू देयर चार्टर्स, द शो टेम्पल महाबलमपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वर बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, तो कैलाशनाथ का तो पता नहीं पर महाबलमपुरम शायद है नरसिम्हा सेकेंड के द्वारा, छोड़ देते हैं नहीं याद है इसका। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अरे भाई ये चीज़ को बार बार भूल जाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है,
कैंडेला केल्विन तो नहीं है, हेनरी भी नहीं होगा, इंडक्टेंस एम्पियर भी नहीं होगा, कैंडेला ही देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, चलो हेनरी मारते हैं। नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून विंड्स कॉज रेनफॉल अलोंग कोंकण कन्नड़ कोरोमंडल या मालाबार, कोरोमंडल पे होता है, मालाबार नहीं होता है। लॉर्ड विलेसली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। डलहौजी की बात करते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था बी का फोर, बी का फोर एक ही ऑप्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। अब विलेसली की बात करते हैं तो ये सब्सिडियरी अलायंस यूज़ किया था, ए का टू है क्या, हाँ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द नेशनल इनकम विथ कंप्यूटिंग पर्सनल इनकम, क्या बोलता है किसको हम जोड़ते हैं जब हम पर्सनल इनकम जोड़ते हैं तो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये ना होगा जिसको प्रॉफिट को हम जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर्स पेमेंट पता नहीं क्या है इसका, छोड़ इसको देते हैं। मोस एंड मर्सेंटिया कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ये क्या ब्रायोफाइट्स कहलाता है शायद, है मोस ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट होगा, टेरिडोफाइट हो मार देते हैं। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट मतलब कितना इनकम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम, तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल, लेकिन यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर फिस्कल है ना, तो टोटल रिसिप्ट ही जाएगा। अगर प्राइमरी डिफिसिट पूछता तो उसमें इंटरेस्ट घटाना पड़ता उसमें था, ऐसा था ना। डैश इज इंट्रोवर्टेड एंड रीस्ट्रेंड डांस कंपेयर टू मोट द आइटस नेवर एस्टेब्लिश आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, ये हम पढ़े थे मणिपुरी, ये हम पढ़े थे ऐसा मणिपुरी में था। गंगा देसर टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन द डैश डेज, नहीं पता भाई चीज़। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है, ए बी डी अलकनंदा भगरथी देवप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, भागरथी पिंदार करण प्रयाग, भाई पढ़े तो थे भी भूल गए एकदम। डॉक्टर बी सर याद नहीं आ रहा, छोड़ो उसको भी। कौन सा बोल रहा, मुगल अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन फर्स्ट टू द लास्ट, कौन सा पहले बना फिर बाद में बताना, अच्छा पहले कौन था फिर कौन था, लाहौर पहले लाहौर ही होगा, पहले लाहौर पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे नहीं है। अंडर विच स्कीम ए ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला था 10,000 का, ये था हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर कॉन्शियस मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर ऐड करेगा, तो 164 था 165 था, कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया है कॉन्शियस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को मदद करेगा, हाँ आर्टिकल 74 तो था उसका, आर्टिकल 74 के माध्यम से कहा था कि चीफ मिनिस्टर को मदद करेगा है ना, आर्टिकल 75 था, तो आर्टिकल 163 हो सकता है, याद नहीं आ रहा है इसका, छोड़ तो। विच ऑफ द फ्लोइंग है द लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश है, 17 के आसपास है शायद। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये कहीं पढ़े अभी हैं, अभी कहीं इसको पढ़े भी थे। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन, विकास बहल, विनोद गणात्रा, विधु विनोद चोपड़ा, विक्रमादित्य मोटवानी, नेल्सन मंडेला ना ऐसा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ हाल फिलहाल पढ़े विक्रमादित्य मोटवानी, अरे यार करंट में पढ़े थे भूल गए देखो कहाँ से, विनोद विनोद चोपड़ा तो नहीं है, ये तो ये है 12th फेल का फिल्म डायरेक्टर था। सकर खान वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री 2012, ये बस ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ कौन सा है नहीं याद है, ये सब पढ़े भी नहीं किए हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, प्रोटीन और लिपिड्स जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ पेरिस 2024, फायर एजेस है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट, सेंसर मतलब क्या बोलता है यहाँ पर, निंदा प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसे लोकसभा में इसे अपनाने का कारण बताना चाहिए, इसे किसी मंत्री एक किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह या मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, इसे नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद निंदा करने के लिए लिया जाता है, इसे नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए लाया जाता है, ये तो सही हो सकता है, लेकिन इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के लिए ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसे लोकसभा में इसे अपने अपनाने का कारण बताना चाहिए कि निंदा प्रस्ताव क्यों लाए हैं, छोड़ो इस क्वेश्चन को पढ़े नहीं कभी निंदा प्रस्ताव के बारे में। स्कोरिंग ए कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट ब्रेक शॉट, ये सभी टर्म कहाँ यूज़ करते हैं, क्यू की बात करते हैं ना, क्यू हिट तो शायद गोल्फ में यूज़ होगा, शूटिंग में तो नहीं होगा, शूटिंग में नहीं होगा, क्यू करना क्यू मतलब आर्चरी में भी आ सकता है, शूटिंग आर्चरी हिट ब्रेक शॉट कैनन गोल्फ देते हैं, कहीं पढ़े नहीं है छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ा हुआ तो किलड़े करते हैं। वो बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ आफ्टर लेबर पार्टी वन यूके एंडिंग ऑफ दिस, कौन बना था रूसी अभी केयर स्टर्मन जेरेमी कॉर्बिन, कौन था
लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन संसद चुनाव के बाद 14 वर्षों चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व सरकार के अंत में अगला ब्रिटिश मंत्री कौन बना? बोरिस जॉनसन नहीं, ऋषि सुनक बने। जेरेमी कॉर्बिन और कीर स्टारमर था, जेरेमी कॉर्बिन था, याद नहीं आ रहा। महाकश्यप की अध्यक्षता में कौन सा बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? महाकश्यप पूछ रहा है ना, महाकश्यप, महाकश्यप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो देखो थर्ड भी था कौन, महाकश्यप, और एक तुम्हारा कौन सा था, महाकश्यप था, मोगलीपुत्र तीसरा था, तो फर्स्ट हो जाएगा, महाकश्यप पहला, मोगलीपुत्र तीसरा, तीसरा था शायद। डैश कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑफिस बाय द प्रोसेस इम्पीचमेंट, तो प्रधान राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से। महात्मा गांधी लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक 1918, कहाँ मिल वर्कर ना, अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद का, ठीक है। तो क्वेश्चन जीके का आज तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आया होगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। आते हैं, गीतांजलि डिड नॉट हैड अ स्कूल यस्टरडे बिकॉज इट वॉज सेकेंड सैटरडे। गीतांजलि यस्टरडे, गीतांजलि वॉज नॉट हैविंग, नहीं, गीतांजलि डिड नॉट हैव स्कूल यस्टरडे, टुमोरो तो नहीं होगा, यस्टरडे डिज नॉट होगा, तो डिड नॉट हैव, गीतांजलि डिड नॉट हैड अ स्कूल, डिज नॉट, डज गीतांजलि डिड नॉट हैव, गीतांजलि डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव अ स्कूल यस्टरडे बिकॉज इट वॉज अ सेकेंड सैटरडे। दे वॉटेड टू सीज स्ट्राइक, सीज का क्या सिनोनिम पूछा, सीज का मतलब किसी को कैप्चर कर लेना, सीज करना, बंद करना। दे वॉटेड टू सीज स्ट्राइक एक्शन इमीजिएटली, दे वॉटेड टू सीज स्ट्राइक, सीज का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, कैद कर लेना, खत्म कर देना, सीज कर लेना, उसको रोक देना, डिस्टर्ब, दे वॉटेड टू डिस्टर्ब स्ट्राइक एक्शन। चलो, प्लेंटीफुल का मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में बोलते हैं, एम्पल बोलेंगे उसको। टू क्लोज फॉर कम्फर्ट, क्या बोला, अंडरलाइन एडियम, द लिक्वर शॉप दैट हैज़ ओपन इन द लोकल शॉपिंग सेंटर इज टू क्लोज फॉर कम्फर्ट, द लिक्वर शॉप दैट हैज़ ओपन इन द लोकल शॉपिंग सेंटर इज टू क्लोज फॉर कम्फर्ट, सो क्लोज टू बिकॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ विंग, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम, वेलकम बिकॉज इट्स नियर एंड यूजफुल, गुड टू हैव समथिंग वेरी क्लोज, गुड टू हैव समथिंग वेरी क्लोज, बी एट वेरी कम्फर्टेबल डिस्टेंस, टू क्लोज फॉर कम्फर्ट, कम्फर्ट के लिए आसान है, गुड टू हैव, गुड सेंटेंस, गुड टू हैविंग समथिंग वेरी क्लोज, टू हैव समथिंग वेरी क्लोज, जो सबसे नज़दीक हो, कम्फर्ट है ना, सो क्लोज टू बी कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बींग अनवेलकम, तो यही हो सकता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इन डायरेक्ट, देखो सही स्टेटमेंट रिपीट कर दो, द सन इज द सेंटर, द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि ये एटर्नल बात है, वो तो हो जाएगा बिना कुछ पकड़े उसको पकड़ लिए। ट्राई टू डैश काम इन एडवर्स सिचुएशन, ट्राई टू कीप काम इन एडवर्स सिचुएशन, यानी अपने आप को मेंटेन रखो। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों एंड को मिला देना। मैनेज टू पीपल कैच अप, नहीं, मैनेज टू रीच टू सोल्यूशन, बी एबल टू टेबल टू प्लेस, मैनेज एक्सपेंसिव विथ जस्ट इनफ फंड्स, मेक बोथ एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसिव विथ जस्ट इनफ फंड्स, तो यही लग रहा है कि इनफ फंड्स, मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स। आई सर्वाइव अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट इन द कार क्रैश ऑफ, आई सर्वाइव अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट इन द कार क्रैश ऑफ द सेंचुरी, आई सर्वाइव ड्रेडफुल यानी बहुत भयानक वाला, तो अपोजिट पूछ रहा है, तो हॉरिबल तो होगा ना, प्लेजेंट हो जाएगा यहाँ पर। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, हैज़ बीन गिवेन, तो हैज़ और गिवन साथ में आना चाहिए, हैज़ गिवन साथ में आना चाहिए, हैज़ गिवन यहाँ पर साथ में रहा, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवेन, ठीक है, गिवन द गारंटी टू मेक लॉन्ग प्रोमिस रिफॉर्म्स अरियतना, गारंटी हैज़ बीन अ गारंटी, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवन द लॉन्ग प्रोमिस रिफॉर्म रिलेट टू मेक अ गारंटी, हैज़ बीन तो यही होना चाहिए, देखो था गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय द न्यू गवर्नमेंट टू मेक द लॉन्ग प्रोमिस रिफॉर्म्स अ रियलिटी, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवन द लॉन्ग प्रोमिस, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ गारंटी टू मेक द लॉन्ग प्रोमिस रिफॉर्म्स अ रियलिटी, ठीक है, टू मेक, इतना ही सही हो जाएगा ना, और कुछ तो है नहीं। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरी वन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज या हर इंटरेस्ट, हिज कैन परस्यू ओन इंटरेस्ट, तो वो क्या एरर पहुँचाना है, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट मेरिट होगा ना, द बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, द बिगेस्ट मेरिट ऑफ, द बिगेस्ट सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फायदा ही है कि हर एक फील्ड इज दैट Everyone feels free and can pursue his or her interest. ठीक है, one he is all powerful, one who is all powerful, जो हमेशा powerful है, तो omnipotent. A river can change its course, C-O-U-R, river can change its courses.
कोर्स, रिवर अपना कोर्स को चेंज कर सकती हैं। एडमोनिश का मतलब क्या, अपलाउड मतलब तारीफ करना, वर्न किसी को बताना, वार्निंग करना, चिड़े गुस्सा होना, स्कोल्ड भी हो गया था, अपलाउड हो जाएगा एंटोनिम, एडमोनिश का मतलब गुस्सा होना ऐसा कुछ होगा, अपलाउड हो गया। टू स्पीसीज ऑफ द प्लांट कॉफी प्लांट, टू स्पीसीज ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन, टू स्पीसीज ऑफ द, यहाँ से होता क्या, टू स्पीसीज ऑफ द कॉफी प्लांट, द कॉफी प्लांट कॉफी अरेबिका एंड सी कैनोफेरा सप्लाई मोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन, सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन। तो क्यू के बाद ऐसा आएगा, यही होगा, आर के बाद पी होगा और पी के बाद क्यू आना चाहिए, पी के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में अभी आ रहा है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्या बोला, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस A person who talks too much, astute, discerning, perceptive, garrulous का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, garrulous गैर की बात करता है, लेस ना बहुत ही बात करना शायद बोलता है, नो स्पेलिंग एरर, डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज, CHRONIC, गलत, यहाँ सही तो ही सब, बस हम डायबिटीज़ का स्पेलिंग पहचानना है, डायबिटीज़ यही हो जाएगा आंसर। माई पेरेंट्स बॉट मी अ न्यू साइकिल फॉर माई बर्थडे, तो मी यहाँ पर गलत हो जाएगा शायद, मी यहाँ पर गलत होगा, मी अब न्यू बाइसाइकिल नहीं होगा। This lead to the circulation of Malice's story, the effect of Great Britain. Malice's story to the effect the that effect that Great Britain. This led to circulation of that she was preserving her soldier. At the expense of those, malicious story was known in her share. That she was preserving her soldiers, furnished over from overseas. Preserve कर रही है from, चलो देखते हैं बाद में। We were nudged by incorrectly persistent salesman. Persistent यहाँ पर गलती है, persistent का spelling बोला correct बताना है, persistent है ना। A smoking causes a mutation in cells leading to cancer. Quitting a smoke can help reverse the nominal, impossible, factual potential. And it can replenish cells. तो बोलता है quitting a smoking can help reverse the potential risk. And it can replenish cells that actually dash those a person who have never smoked. And it can replenish cells that actually differ those a person who never smoked. The dash of you smoke, the more mutation you have. The dash damage to the cells lining the airline. The constant damage to the cells lining the airway and lungs can dash to cancer in the lungs. The constant damage to the cells lining the airway
एंड लंग्स कैन सीज टू कैंसर इन द लंग्स ओसोफेगस लीडिंग पैरिंग्स द लंग्स कैन लीड टू कैंसर इन द लंग्स लीड बढ़ाता है ठीक है गाइड तो होगा नहीं चलो ठीक है अब आता मैथ को लेकर ए कैन डू वर्क इन 63 डेज एंड बी इज 40% मोर देन एफिशियंट बी इज 40% मोर देन एफिशियंट यानी कि हम कह सकते हैं 7/5 है ठीक है तो 63/5 का पूरा काम हो गया और तो बी नंबर ऑफ डेज बी टू द सेम वर्क तो बी 7 काटेंगे 9 45 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा विथ अ 5% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट ऑफ शुगर अ बायर का परचेज इतना तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस ठीक 5% के कम करने से डिस्काउंट करने से यानी कि 20 से 19 से बेचने पर यानी कि प्राइस कम किए तो कंजप्शन इतना हो गया तो एक रेशियो बराबर कितना 20 केजी हो गया यानी अब वो 400 केजी अब क्या कर रहा है यूज़ कर रहा है पहले वो 380 केजी यूज़ कर रहा था शुगर 608 रुपये में व्हाट इज़ द ओरिजिन सेलिंग प्राइस ओरिजिन सेलिंग प्राइस क्या था तो हम 608/380 करेंगे ये ना ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा एक केजी का दाम हाँ तो एक केजी का दाम तो ये हो जाएगा काटो जरा देखते हैं तो 119/38 190 30/60 4 तो 19 से काटते हैं तो काटेंगे 1904 19 से कम 19 एक और चार 19 को 19 9 6 54 छः कम 6 5 11 यानी कि 16 रुपया सही इसका आंसर आ गया चलो आगे चलते हैं रत्ना बाइस 10 kg ऑफ राइस फॉर 88 kg एंड 20 kg फॉर रत्ना व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टोटल मिक्सचर ऑफ राइस ठीक है 10 kg तो 880 हो गया और 187/20 की बात करते हैं तो 7 × 14 8 × 16 117 374 ठीक है तो 374 हो गया तो और 880 जीरो 8 × 4 = 12 बाकी के 1 8 7 15 8 × 8 = 16 40 × 20 कितने के जी 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 kg 30 से काटेंगे तो 6 × 4 = 12 3 × 15 = 45 1 2 तो 4 × 3 = 12 154 rupees पर केजी इसका आंसर आ जाएगा फिर बोलता है इफ़ अनिस एक्सपेंडिचर इज 65,000 है एक्सपेंडिचर 65,000 है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट ठीक है अब यहाँ पे देखो तो ये मिसलिनियस खर्च इतना दिया है 65,000 मंथली एक्सपेंडिचर है इफ तो मंथली एक्सपेंडिचर यानी 1% बराबर कितना आ रहा है 650 ठीक है क्योंकि कट गया 00 फूड एंड रेंट के ऊपर कितना खर्च करा फूड कहाँ 25 रेंट है 12 तो 25 = 12 37% है बस कर मल्टीप्लाई करना 65×37 से तो 7×5 = 35 7×6 = 42 3×45 और 6×5 = 15 बाकी के 1 6×3 = 18 19 5×5 = 10 10×4 = 14 2405 करके आंसर आ रहा है कहीं पे 2405 करके आंसर ही एक ऑप्शन है बोलता है द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम इतना तो रेडियस को बताओ रेशियो ऑफ हाइट द रेशियोज ऑफ हाइट ऑफ टू ऑफ इक्वल वॉल्यूम क्या होता है रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम है ठीक है ना द रेशियो H1/H2 की बात कर रहा है कितना दिया हुआ है 1:2 है वॉल्यूम सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ही तो ही कह रहा है ना अब H1 और H2 मान के चलते हैं R1 R2 मान के चलते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमको R1 और R2 का पूछ रहा है R1² / R2² पूछेगा R1 R2² H2/H1 के साथ 2/1 हो जाएगा तो इसका आंसर जाएगा √2/1 इसका सही आंसर आ जाएगा और तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करके बनाना चाहिए था रूट मालूम था रूट होना ही था 2 sin A - cos है साइन ए प्लस कोस है का मान 1 है तो बताओ वैल्यू क्या होगा तो क्या वैल्यू हो सकता है तो हम क्या वैल्यू मान सकते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोट ए तो साइन ए माइनस कोस है क्या कर सकते हैं तो हम ये काम कर रहे हैं 2 sin - का कोस इज इक्वल टू साइन प्लस कोस ठीक है साइन को इधर भेज देते हैं तो साइन बराबर कोस हो जाएगा ना साइन बराबर 2 cos हो गया अब हम 1/2 हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि देखो ये 2 इधर भेजते हैं तो cos/sin आ जाएगा 1/2 हो जाएगा यानी cos/sin क्या होता है tan होता है 1/2 हो गया आंसर यहाँ से बोलता है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 12-15 है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कुछ मत करो 25 का स्क्वायर 625 कर दो -12 - 5 कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 कर दो और ये हो जाएगा 14 15 9 6 15 1 11 हो गया 7 × 4 = 11 और 576 यानी 24 का स्क्वायर इसका हो जाएगा 24 बोलता है एवरेज मार्क्स ऑफ सिक्स स्टूडेंट 75 है स्टूडेंट स्कोर 80 इन वन सब्जेक्ट व्हाट इज द टोटल स्कोर इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट 75 × 6 75 दूनी 150 होता है
तो 450 हो गया, 450 में 80 घटा देते हैं तो 0 15 हो गया, 8 7 15 370 है। 5 सब्जेक्ट, व्हाट विल द टोटल स्कोर द रिमेनिंग सब्जेक्ट, 370 है। तो एक तरीके का क्वेश्चन थोड़ी था। 3 रनर है, ए बी सी करके है, 12 किलोमीटर दौड़ता है, 5 7 इतना। दे स्टार्ट दियर रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम डेस्टिनेशन, सेम पॉइंट से फॉर सेम डेस्टिनेशन, तो हाउ मच दे मिल, कब आपस में मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी का निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। बॉबी तो यहाँ पर 12/5 ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू इतना हो गया, तो 12/5 आ गया और 12/7 आ गया और 12/13 आ गया, 12/13 जब इसके एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर का एलसीएम लेना पड़ता है, तो 12 ठीक है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो आंसर ये आ जाएगा 12, यानी 12 घंटे के बाद आपस में मिल जाएंगे। मुझे यही लग रहा है कि जो एचसीएफ एलसीएम जो लेने का तरीका यही होता है, जो आगे देखेंगे बाद में उस क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार है जिसने कि बोला कि सामान को कॉस्ट प्राइस बेचता है बट कुछ ये, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये मान के चल रहे 1000 था, 960 बेच रहा है, उसको उल्टा करेंगे, 0 से 0 चल जाएगा, 24 बार में 4 से काटेंगे तो 24, 4 से काटेंगे 25, यानी कि फ़ायदा हो रहा है 24:25 में, फ़ायदा हो रहा है 1 का फ़ायदा क्या, 1/24 का फ़ायदा करा रहा है, इंटू 100 कर देते हैं ठीक है, तो 4 से काटेंगे 4 के काटेंगे 25 बार में, सॉरी 4 का थोड़ी 6 कटेगा और ये 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25/6 है, तो 6 × 24 और 25/6% ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन, तो कोन का लेटरल सर्फेस का था पाई आर एल होता है जो कि 550 है, तो बस क्वेश्चन सिंपल सा है, तो 22/7 इंटू आर का मान नहीं पता है, आर का मान पता है, हाँ पता है, आर का मान हमको दिया बस 7 क्योंकि 14 लिखा था, तो मान एल का मान हो गया 550 ठीक है। 11 को काटेंगे 11 × 22 11/55 50, 2 से काटेंगे 25, यानी एल का मान हमारे पास आ रहा है 25 क्योंकि 7 और 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, एल का मान 25 है, आर का मान हमारे पास, आर का मान 14 है, तो कंफर्म जो हाइट होगा वो 24 होगा क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है। तो आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द लिस्ट वैल्यूज एक्स ऑफ 5 डिजिट नंबर, 6 2 7 एक्स और 5 है जो कि 9 से डिविजिबल है, लिस्ट नंबर पूछ रहा है, तो 7 2 9 चला गया, 6 5 11 11 में 8 ही जोड़ना पड़ेगा, 11 में 7 जोड़ना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा, 7 इसका सही आंसर आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एस आई सिंपल काउंट इतना है, 1000 रुपया है, पी का मान पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस पूछ रहा है ठीक है ठीक है, तो 1000 रुपया हो गया पी, आर स्क्वायर या सिंपल 10 × 20% हाँ, और 10 + 10 + 10 + 10 20 कट गया 1%, तो 100 रुपये का 1% क्या होगा, 1 रुपया होगा ना, हाँ 1 रुपया इसका आंसर ही आ जाएगा, तो बिना कुछ सॉल्व करना ही चाहिए था। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, तो क्या पूछ रहा है हमको है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, टी एफ का मान कितना दिया 15, तो यानी 15 × 15 ही कर लेते हैं ठीक है, इज इक्वल टू एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान 9 है और इंटू करेंगे एफ ए प्लस 2x+3, एफ ए प्लस 2x+3 ये ना हो जाएगा, 9 से काटेंगे 3 3 9 3 5 15 और 3 5 15 ठीक है, 25 आ गया, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा देखो, तो 9 3 12 + 2x 12 से घटा देंगे यहाँ पर जाएगा 3 और 13 13/2 गड़बड़ हो गया ना, हाँ गड़बड़ तो हो गया, क्या करना होता है कि टी एफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो एफ ए इंटू एफ बी तो होता है ना, होता फॉर्मूला, तो एफ ए का मान कितना दिया हुआ, एफ ए का मान 9, तो टी एफ स्क्वायर का मतलब 15 × 15 तो होगा और एफ ए का मान कितना होता है 9 और 2x+3 है, तो 9 3 12 12 + 2x तो 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 का काटेंगे 5 बार में तो 25 तो आ गया, 25 से 12 चला गया, तो गड़बड़ कर दिए हम, फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर दिए भाई हम, तो 15 × 225 ही मान लेते हैं और 9 है इनटू और 2x+3 कर देते हैं, 9 से काटेंगे 9 9 9 9 18 9 5 45 तो 22 25 में से 3 22 एक्स का मान 11, पता नहीं ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे, तब उन एक सम है 1600 एंड वाज पार्टली 5% 8% पे उधार दिया गया, जो टोटल इंटरेस्ट मिला 384 मिला है, तो रेशियो बताना है कि कितना मनी में उसको दिया गया, इसका एलिगेशन से निकलता है, हम एलिगेशन का निकालना हम हमेशा भूल जाते हैं ठीक है,
हम एलोकेशन हमेशा भूल जाते हैं, तो हम इसको एक्स और वाई मान के चलते हैं। एक्स इतना है ना, 5% है बटे 100, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, प्लस फिर 1600 है, 1600 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 8/100 इंटू कितना 4 ये भी है, बराबर 384 है। ठीक है, तो कॉमन क्या ले लेते हैं, तो 5 4 है, 4 कॉमन ले लेना, 4 से काट देंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा, 4 से काटेंगे 9 6 36, 6 6 24, ठीक। तो 5x प्लस 8 से कर दोगे 00, 8 से 48, 8 12800 माइनस का 8x, ठीक है, बराबर 9600। तो माइनस का 3x आ गया, बराबर 12800 से घटा देंगे, ठीक है, तो यह जाएगा तुम्हारा 200 3200 एड 12 हो गया 3200, है ना, 3200 ये हो रहा है, तो 9600 है, तो 9600002 12 3200 3200 एक्स का मान गया 3200/3। गड़बड़ कर रही है क्वेश्चन को बनाने में, चल बेसिक्स बना रहे, फिर से बनाएंगे। तो अगर एक्स पे मिला है 8 5% की बात है, बटे 100 और इंटू कर देते हैं कितना, 4 प्लस 1600 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 4 बटे का 100 बराबर हो गया 384। उसके बाद यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 6 20 कॉमन, देखो तो सिंपल से 5 6 20 प्लस, तो 4 से तो काट सकते हैं ना, 4 से काटेंगे, 4 से 9 6 36 24, 6 6 24, ठीक है, और 5x प्लस बटे 100 और 0 0 8 6 48, बाकी के 4 8 का मान चल 12800 माइनस 8x बटे का 100 बराबर है 9600, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x तो आएगा, और 9600 है और 12800 घटाना है, तो 200 इधर आ जाएगा, ये 3 ही तो आ रहा, 3200 ही तो आप आ रहा है, तो x का मान चलो मान चलते 3200/3 आ रहा है, ठीक है। तो अगला वैल्यू क्या आएगा, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं भाई, 3 मिनट बर्बाद किया फालतू क्वेश्चन में। व्हाट इज़ कमल्स ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट इन 3 मंथ्स, कमल का पूछ रहा, कहाँ कमल, कमल 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 कमल, यहाँ 3 मंथ में, व्हाट इज़ कमल्स ओवरऑल इंक्रीमेंट इन 3 मंथ, तीनों मंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ओवरऑल ओवरऑल पूछ रहा है, तो यहाँ 65 हुआ, ठीक, ओवरऑल इंक्रीमेंट पूछ रहा है ना, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, देखो तो यहाँ पे कितना हुआ, 60 रुपया था, मैं 65 रुपया था, माइनस का कितना हो जाएगा, ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीमेंट 4 इम्प्लाई, 4 इम्प्लाई का, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ 65 का, फिर डिक्रीमेंट कितना हो गया 55 का, फिर इंक्रीमेंट कितना हो गया 75 का, हाँ इसमें देखेंगे तो 85 का इंक्रीमेंट टोटल हो रहा है क्या, नहीं। व्हाट इज़ ओवरऑल एवरेज, अच्छा एवरेज इंक्रीमेंट पूछ, अरे यार एवरेज पूछ रहा ना, तो 75 65 और 55, ठीक है, तो 5 3 15 8 6 14 14 5 19, 3 से काटेंगे 6 3 18 1 5, ईजी क्वेश्चन को भार दो बना रहे हैं हार्ड। ए बी सी पी क्यू आर भी कंगोरेंट ट्राइंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर क्या कंगोरेंट है, ए बी सी एंड पी, ये पी क्यू आर कंगोरेंट है, एंगल ए का मान एंगल पी के बराबर है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, बी सी का मान अगर 29 है तो पी आर का मान कितना होगा, और पी आर का मान 21 है तो ये भी 21 ही होगा, तो ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो ये भी 29 होगा, यानी ट्रिपलेट बनाने की बात कर रहा है, ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है 961, 30 का नहीं 861, 841, इसकी का 441, 0 0 400, यानी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ बोला 256 इतना 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 है, बताओ वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे 256 है इंटू 256, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 64 कोई दिक्कत नहीं, डिवीज़न करना 16 को 5 बार, 16 इंटू 16 तो 16 का स्क्वायर कितना 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का 4 बार में, और इंटू 1021, बस आंसर आ गया, तो 21 6 84 होता है लास्ट में, आंसर सही होना चाहिए था, आंसर हो गया 1084। दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से सिमिलर है, 9:16 का है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल कितना होगा,
तो दो साइड से दिया हुआ है, तो 981 और 16 का स्क्वायर 256। ए प्लस 5 बी का मान 13, ए बी का मान 9 है, तो बताओ क्या हो सकता है, 3 और 3 ही तो हो सकता है, तो हम 5 किया 15 नहीं होगा ना। तो अब क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दो ए प्लस 5 बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 25 बी का स्क्वायर प्लस 25 यानी 50 ए बी, 50 ए बी इसका मान 9 है, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ये सॉरी 400, और यहाँ 13 का स्क्वायर है ना, और ये ए प्लस 5 बी का मान कितना 13, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और ए बी का मान है 9, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, ये 5 ना है तो 5 10 ना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 घटाना के लिए 9 और 7 16 79 इसका सही आंसर है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द पाई चार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल 25,000 है। लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, 2% का डिफरेंस दिख रहा है, तो 25×50 यही ऑप्शन लग रहा है जो कि आंसर होगा, क्योंकि 25 है ना, 25,000, ठीक है, और 2% का डिफरेंस है, 25×5,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी, कितने बच्चे हैं जो बायोलॉजी बी और डी की बात कर रहा है जो ऑप्टेड किया, तो 400 का बोला 400 बच्चे टोटल हैं, परसेंटेज ऑफ इनरोल ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी प्राप्त किया है, अब लड़का लड़की नहीं पूछ रहा ना, नहीं, तो 36/100 कर देते हैं, ठीक है, 0036 6 24 4 144 हो गया, ठीक है, अब बटे तो इसको तो ऐसे रख देते हैं, और यहाँ पर डी का बार पूछा 800 × 18% / 100, ठीक है, अब देखो 4 से काटेंगे दो बार में 18 × 36 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, तो बताओ वैल्यू क्या होगा, तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पहले निकालते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 5 हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 ए बी सी, अब ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 5×25 माइनस का 15, ठीक है, बराबर होता है गया 2 ए बी बी सी करके जो होता है ना, तो 10 इसका मान ए बी बी सी का मान जो है गया हो गया तुम्हारा 5, ये 5 आ गया, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 दिया 15 10 5×10 50, तो यहाँ पे 50 आ गया, और माइनस का 27 जोड़ देंगे इधर तो 7×5 = 7, अच्छा ये माइनस में है ना, तो इधर के प्लस में तो हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा इसका आंसर, देखते हैं फिर भी करके सही से, देखो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला के लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी कर देते हैं, ठीक है, अब ये फॉर्मूला के 5 पता यहाँ है, यहाँ पे 15 पता है, माइनस ये वैल्यू को नहीं पता है, इस वैल्यू को निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, यूज़ कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 15 प्लस 2 ए बी बी सी जो हमारे पास ये है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 25, 25 में से 15 जाएगा हो जाएगा 10, 10/2 करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी इसका मान कितना रहा 5 आ रहा, तो यहाँ वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 5 ही तो पुट करेंगे यहाँ भी, तो 15 में से 5 या 10 तो 5×10 कितना हो गया 50, ठीक है, और 50 से और वो माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा ना, तो ये तो 7×5 = 7 77 होना चाहिए था, लेकिन 77 हो नहीं रहा है, तो 77 जब नहीं हो रहा तो इसका आंसर 27 ही मान के चलेंगे, क्योंकि 50 में 27 घटेगा तो यही पॉसिबल लग रहा है, और कोई तो पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रहा है। टाइन थीटा का मान इतना दिया 7/24, तो हमको कन्फर्म लग रहा है कि साइन तो ये तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर है, और बेस और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, पी का मान है 7, इसका मान है 24, हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा 7×24 है तो 25 हो जाएगा है ना, तो 4×16 = 7 है ना 25 आ गया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ठीक है ना, अब क्या पूछ रहा है इसको हमको कोस स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस इतना, तो 24² = 576² = 625 माइनस परपेंडिकुलर 749 × 25 = 625, तो 76 9 करेंगे तो 17 × 9 = 16 7 आना चाहिए लास्ट में, बस 527 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एज समीर एंड तनुजा 8:15 में है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 8:15 है, 9 साल के बाद पूछा कि उसका अनुपात 11:18 है, तो बताना कितना होगा, तो 11×15 करना ही पड़ेगा भाई, 11×5 = 55
और 11 कम 11 165, 8 8 64 8 कम 8 से 14 144 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 और 21 ठीक है। 18 × 9 -11 × 9 तो सो से 9 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 21 रेशियो बराबर क्या जाएगा 9 कॉमन लेते हैं 18 में से 11 किया तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 को 3 बार में क्या पूछा है डिफरेंस ऑफ दियर एजेस, तो इसका डिफरेंस ऑफ दियर एजेस क्या होगा, तो 8 में से 15 गया कितना 7 3 21 यही तो डिफरेंस होगा 21 साल इसका सही आंसर आ जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन में, अब तो नहीं है 10 मिनट के आसपास हमने टाइम बचा लिया है जो कि मैथ को एक कोई क्वेश्चन बचा जो कि बनेगा। एक सम ऑफ ₹1600 वॉज लेंड पार्सली एट 5% एंड पार्सली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल के बाद हमको 384 रुपये क्या मिल रहा है लोन मिल रहा है, तो बताने बोला कि पैसा बताओ क्या होगा ठीक है। तो हम ये मान चलते हैं 1600 रुपये यहाँ पर है ना, हम एक पैसा क्या मानते हैं 1 रुपया और 4 5% की बात है 5/100 है, टाइम कितना है 4 साल ठीक, फिर प्लस करेंगे 1600 में से एक्स चला गया ठीक है, पर यहाँ पे 8% की बात कर रहा है वो भी 4 साल के लिए तो बोल रहा है, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 384 रुपीज़ ठीक है। 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 5x/100 माइनस 1600 × 8 है ठीक है, और माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा प्लस 4x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x/100 हो जाएगा, 4x नहीं होगा यहाँ पर 1600 × 10 और देखो 4 तो कॉमन ले लिए ना 1600 × 8 माइनस का 8x/100 बराबर 384 ठीक। तो 4 से काट सकते हैं तो 2 काट लेते हैं 2 × 2 = 19 × 38 2 × 4 2 से काटेंगे 9 × 2 = 18 6 × 2 = 12 तो 5x माइनस का 8x 8 × 6 = 48 12800 12800 = 9600 9600 है उसमें 200 जोड़ेंगे 9800 हो गया 9800 × 3 3200 नहीं एक्स का मान तो हम ये निकाल ला रहे हैं कि 3 आ जाएगा ठीक है, एक्स का मान है तो अब बताओ अगर 3200/3 है तो 1600 में से 3200/3 घटा देते हैं कितना 1648 3200/3 कितना आ जाएगा 32 तो 1600 आ रहा है ना यहाँ पर तो 32 और 1600 1600/3 ठीक है। अब बता रहे हो उसका वैल्यू बताओ क्या होगा तो 3200/1600 कटेगा तो 2:1 आंसर आ रहा है, यानी हम सही चल रहे थे हम कर सही रहे थे हम क्वेश्चन को खाली समझ उल्टा रहे थे, डिसिमल में आना चाहिए था ये क्वेश्चन जो है ना 12 घंटे ही लग रहा है 12 किलोमीटर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति अगर स्टार्ट करता है फॉर सेम डेस्टिनेशन तो हो सकता है। दिस लेड द सर्कुलेशन ऑफ मेलेस स्टोरी टू द इफेक्ट दैट ग्रेटर ब्रिटेन तो PQRSP से स्टार्ट तो होगा दिस लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ मेलेस स्टोरी टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन वॉज नॉट डूइंग हर शेयर नहीं द टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन मेलेसिस स्टोरी टू द इफेक्ट दैट कि ग्रेट ब्रिटेन वॉज नॉट नहीं एट द एक्सपेंस ऑफ दोज वॉज नॉट डूइंग हर शेयर एंड दैट एंड फर्निश फ्रॉम नहीं होगा मेलेसिस स्टोरी टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन वॉज नॉट डूइंग हर शेयर वॉज दैट सी वॉज नॉट दैट सी वॉज प्रिजर्विंग हर सोल्जर्स दैट सी वॉज प्रिजर्विंग हर सोल्जर्स that she was preserving her soldiers at the expense of those furnished from overseas तो PQRSE इसका हमको लग रहा सही आंसर आ जाएगा इन्वॉल्विंग तो पता नहीं चल रहा। चलो भाई यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमने GK को छोड़ा 1 क्वेश्चन हमने मैथ इंग्लिश को छोड़ा। क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें इस आज के क्वेश्चन का लेवल जो अच्छा था क्वेश्चन थोड़े इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आज भी हमने 157 ही स्कोर कर पाया लेकिन यहाँ पर आज हमने 81 ही सही कर पाया है, करेक्ट इनकरेक्ट हमारा 10 हुआ। पिछले बार भी लास्ट 3 मॉक से हमने 10 ही रॉन्ग यहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट 3 मॉक हमारा जो है वो लास्ट में 3 मॉक में है 10 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है। पहले सही हुआ था 83, कल रात में सही हुआ 82, अब सही हो रहा है 81। क्वेश्चन लगभग इसमें 91 अटैम्प्ट किए, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन भी कम अटैम्प्ट हुआ मेरा है क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन हमने GK छोड़ा, GK के लेवल इसमें आज अच्छे थे
तो ओवरऑल क्वेश्चन के पेपर की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन का जो लेवल अगर इसी प्रकार का आया होगा तो ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट कहलाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन जो है मॉडरेट होगा, क्यों? क्योंकि जीके इसका जो है थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा टफ दिया गया है कंपेयर टू अदर जो दो दिन एग्जामिनेशन, दो शिफ्ट एग्जामिनेशन, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के कंपेरिजन में। तो एक ओवरऑल पेपर यह मॉडरेट बन जाता है क्योंकि रीजनिंग और मैथ में तो टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, और इंग्लिश में तो बहुत लोगों जिनका इंग्लिश क्लियर होगा हर चीज़ को लेकर, वाकई याद होगा तो वो क्लियर कर ही लेंगे, आसान हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जीके क्या करता है, पेपर को हार्ड और ईजी बना सकता है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट कहलाएगा। अगर आप 157 से ज़्यादा ला रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपका सिलेक्शन होना ही होना। और 157, 140 से प्लस, अगर इस मॉक में मैं बात करूँ तो 138 से जिसका मॉक में प्लस नंबर आएगा ना, हम मुझे लगता है कि उसका अच्छा नंबर है। 138 से प्लस तो होना चाहिए भाई इसमें। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कैसे 138 कैसे आ जाएगा। आप देखो 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन मैथ है नंबर है, इसमें आप कितना कम से कम ला सकते थे, कम से कम करने लायक जो है ना 22-23 क्वेश्चन करने लायक थे। यहाँ 46 नंबर यहाँ भी मान लेते हैं, 46 क्वेश्चन यहाँ भी मान लेते हैं, यानी 8 नंबर कमेगा, यानी कि 92 नंबर तो यहाँ से आपको आना चाहिए था। इंग्लिश की बात करेंगे तो 20 का वहाँ से कम से कम आपको 20 से वहाँ पे तो आपको कम से कम 40 नंबर उठाना चाहिए था, तो 138 यहाँ पे हो जाए, 132 हो जाएगा। और कम से कम हार्ड अगर कितना भी होगा ना तो 10 क्वेश्चन आप वहाँ से आसानी से जो है जीके में उठा सकते हैं। 140 नंबर यहाँ पे तो आपको आसानी से नंबर आना चाहिए, 142 नंबर है तो 140 प्लस नंबर आपका आसानी से यहाँ पर नंबर आ सकता है इस मॉक के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का बोल अच्छा लगता है, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा सिमिलर टाइप का तो कंफर्म है कि इस मॉक को इजी, वन ऑफ द इजी मॉक भी कह सकते हैं, बट ये मॉडरेट लेवल का यहाँ पे बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन जीके के हार्ड हैं। तो मेरे यहाँ पे 157 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपने ये मॉक दिया है तो बताइएगा आप भी कि आपका कितना मॉक्स इसमें नंबर आ रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों अगर आपने ये मॉक नहीं देखा है तो आ जाकर इस मॉक का भी एनालिसिस है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितना आपने सही करा कितना गलत किया है। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।